ये चेक करें गाइस यहाँ का व्यू, सामने श्रीनगर सिटी है, इधर भी श्रीनगर है, ये ओल्ड ब्रिज है यहाँ पे, न्यू ब्रिज यहाँ पे बना है। सो गाइस तुम्हारे भाई ने पूरा लुक चेंज कर लिया, आउटफिट पूरा चेक, मतलब मैंने डाल के देखे भाई, कमेंट करो ये ले लूँ मैं ब्लैक एंड, ये देखो शीशे में दिखाता हूँ। सो हेलो माय यूट्यूब जनता, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज फाइनली आई एम रेडी, और गाइज आज करते हैं केदारनाथ पैदल यात्रा का 12वें दिन की यात्रा को प्रारंभ। और गाइज नाइट को हम ठहरे थे यहाँ पे, हाँ टेंट लगाया था, लेकिन गाइज नाइट को ना बारिश आ गई थी बहुत भयंकर, तो हम सोए थे फिर अंदर। वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था थी, यहाँ पर पूरा ये आश्रम बना हुआ है और सामने रोड चल रहा है, पहाड़ देखो गाइज, पहाड़ तो खैर साथ छोड़ ही नहीं रहे, जब तक हम केदारनाथ नहीं पहुँचेंगे तब तक ये पहाड़ साथ नहीं छोड़ने वाले। तो गाइज फाइनली रेडी हैं सारे, तो गाइज फाइनली निकल चुके हैं यहाँ से। और भाई आईडी जमा थोड़ी ना करी थी जो ले ली, अरे है अपने पास आईडी, वे जमा नहीं की थी। और भाई निकलते हैं, और गाइज पता है मेरे ना एक पैर में ना चोट लग गई थी कल भाई, बहुत दर्द हो रहा है, एडी में पत्थर घुस गया था, पता नहीं कैसे नंगे पैर चल रहा था। और यही ये देखो, चलो भाई 5-10 किलोमीटर निकालने के बाद खाएंगे हम खाना वाना कहीं पे, एंड उसके बाद फिर सीधा अपना करेंगे भैया जैसा भी है। चलो हर हर महादेव, देते हैं अपडेट। सो गाइज आज मैंने लगा रखा कैप रेड कलर का, और रेड कलर की डाल रखी है डेनिम जैकेट, क्योंकि भाई ठंड लग रही है ना, ठंड पड़नी अब स्टार्ट हो गई है। तो भाई कैसा लग रहा है कैप बताना जरा कॉमेंट में। और ये देखो भाई पहाड़ों पर चल रहे हैं लगातार पिछले 4-5 दिन से, सही लग रहा है ना, एक मिनट कैसे लगे देखते हैं। ओ मेरी जान, तुम्हारा भाई बन गया सिस्टम, ओए आ जगत है सिस्टम ही कह दे। भाई कमेंट करना कैसा लग रहा होगा, मेरा नाम भाई ये पता है इसका है क्या बोलते हैं इसका सुनील का, लेकिन अच्छा लग रहा है ना, मैंने फर्स्ट टाइम कैप लगाया, बहुत बहुत कम मैं कैप लगाता हूँ, लेकिन कोई नहीं अच्छा लग रहा है। चलो भाई मिलते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे आगे। तो गाइज अभी हम निकले ही थे, कुछ ही दूरी पर चले थे, और गाइज पता है यहाँ पे ना हमारे क्षेत्र के कुछ लोग मिले, मेरे गांव के पास में रहते हैं, वो मुझे जानते हैं पहले से। ये है भाई दमगड़ा से, क्या हाल है भाई? बढ़िया। तो इनका काम चल रहा है लाइट का तुम्हारे यहाँ पे? तुम्हें मतलब पता ही वैसे कि मैं निकलूंगा यहाँ से, मतलब हमें पता था, मतलब वीडियो देखते हैं ना इसलिए तुम्हारी। अच्छा अच्छा, तो ये बता रहे कि भैया मैं देख रहे कि भैया रोशन भाई यहाँ से निकलेंगे, तो फाइनली मिल चुके हैं। मतलब एक भैया मिले थे, उन्होंने हमारी बोर्ड पढ़ा था कि अमरोहा से, तो वो कह रहे भैया अमरोहा के तो लड़के यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, तो भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अभी ये भाई चाय वाय बनवा रहे हैं, उसके बाद पी वी के निकलते हैं, सारे बैठ के पियेंगे साथ में। एंड गाइज करते हैं अपनी यात्रा को प्रारंभ, और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया चलते हुए, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। सो गाइज फाइनली हमने चाय पी ली, और गाइज निकलते हैं यहाँ से, और बहुत अच्छा लगा इन भाइयों से मिलकर, गाइज आ जाओ। तो भाई ये है ना मेरे चाचा के बेटे के फ्रेंड है, एक दो बार मेरे घर पे भी गए हैं ना ये, तो भाई मुझे पहले याद नहीं आ रहा था, लेकिन अब याद आ गया था। चलो भाई मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा लगा आपसे भी से मिलके, और बैग उठाते हैं गाइज और करते हैं अपनी यात्रा को प्रारंभ। और गाइज बताए इतनी दूर आ गए मिल रहे हैं हमसे, देख रहे हो श्रीनगर में, मतलब कितने अपने गाँव से कितने किलोमीटर होगा यहाँ से? 300 के आसपास, 300 किलोमीटर बाद हमारे गाँव के लोग मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा भाई मिलके। चलो ओए बैग गिर गया, चल भाई ठीक है फिर मिलेंगे नहीं कभी, आइयो घर पे गाँव में आवे जब भी है ना, ठीक है भाई चल ठीक है, चलो भाई बाय। चलो भाई निकल चुके हैं, अब ठहरेंगे कहीं भाई, खाना वाना खाएंगे जैसा भी है, अब थोड़ा चलते हैं। सो गाइस समथिंग 4-5 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम रुक चुके हैं एक होटल पे खाना वाना खाने के लिए, क्योंकि भाई भूख लग रही है बहुत तेज, अब नहीं चला जा रहा बिल्कुल भी। और गाइस हालात ख़राब हो रहे हैं यार, इतना थक जाते हैं पता है यार, एक तो इतना वेट है ना हमारे शोल्डर पे, बहुत ज़्यादा वजन है। और भाई यहाँ से देखो पीछे का बैकग्राउंड कितना प्यारा व्यू है, यहाँ पर ठीक है गाइस, थोड़ा नॉर्मल है, गाँव है, खेत भी हैं यहाँ पर, तो अच्छा सा लगता है, लेकिन ऊँची ऊँची पहाड़ियों में मुझे पसंद नहीं है भाई। पता है अब से पहले मैं सोचता था कि जो भाई पहाड़ों में रहते हैं कि भाई लाइफ बहुत अच्छी है, हमारा भी सपना पहाड़ों में रहेंगे, लेकिन गाइज अब 10-15 दिन जब पहाड़ों में रहा हूँ ना मैं, तो अब पता चला गाइज अपना जो क्षेत्र है ना वो बेस्ट है भाई, यहाँ का क्या है तुम कहीं घूम, बस गांव में छोटा सा घर एक ऊपर नीचे, आपको कहीं जाना है तो नदी पार करके आना है पुल से, ये भाई अपना ठीक है भाई, कहीं जाओ बाइक उठाओ घूमो मस्ती से। चलो भाई खाना वाना खाते हैं। सो गाइज आ चुका अपना खाना, आलू गोभी दाल मखनी और रोटी, और भाई खाना वाना खाते हैं, बहुत भयंकर भूख लगने लगती है गाइस, सच में हालात ख़राब हो जाती है, तो गाइस खाना खाते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं। सो गाइस फाइनली खाना खा लिया है, और भाई अब चलते हैं। गाइस पता है बॉडी ऐसी हो गई है भाई, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है चलने का, मतलब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, ऐसा लग रहा है बस यहाँ बैठे हैं ना खाना खा कर, ऐसा लग रहा है यहीं सो जाओ, लेकिन भाई चलना तो है, चलो यार चलते हैं भाई और करते हैं
आओ भाई। तो गाइज निकल चुके हैं यहाँ से और गाइज अब है ना नेक्स्ट बैग लेंगे कुछ देर चलने के बाद। खाना वाना खा लिया है भाई, पता है 10:30 हो चुके हैं और भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है। अब ये जैकेट मैं निकालूंगा क्योंकि भाई गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है भाई। कहीं करेंगे रेस्ट बैग जैसा भी है, रात श्रीनगर स्टे करेंगे। देखते हैं श्रीनगर से पार भी जा सकते हैं क्योंकि श्रीनगर यहाँ से 16 या फिर 15 किलोमीटर होगा। चलो गाइज पता है हमें ना पहाड़ों में चलते हो समथिंग 6-7 दिन हो चुके हैं और गाइज अब तक की सबसे बेस्ट लोकेशन मतलब जो घर बने हुए हैं ना गाँवों में, जो गाँव है यहाँ के, वो आज ये आइए आपको दिखाते हैं। तो गाइज ये अलकनंदा नदी और भाई देखो पहाड़ है, वहाँ से सीधा ये गाँव है पूरा, मतलब ऐसा सीढ़ीनुमा बना हुआ है एक के घर ऊपर एक के ऊपर। बाकी अब तक जितने भी हमने गाँव देखे हैं ना वहाँ का एरिया ही पसंद नहीं था मुझे गाइज। तो भाई देख रहे हो और मेरी उंगली के सामने देखो वहाँ पे भी घर है, गाँव है, वो गाँव है, फिर उसके ऊपर एक और गाँव है वहाँ पे। अब यार ऊपर चढ़ते कैसे होंगे भाई ये लोग, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस सच में। यहाँ पे ये चेक करें, बहुत प्यारी लोकेशन है यार। और अभी चल रहे हैं गाइस, अब मैं ये जैकेट निकालता हूँ क्योंकि भाई अब लग रही है गर्मी, इतनी भी गर्मी नहीं है गाइस। पता है यहाँ पर मतलब मैंने जैकेट पहन रखी तो ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ एकदम गर्मी है, लेकिन अब होने लगी थोड़ी महसूस। ये निकालते हैं फिर निकलते हैं। सो गाइज मैंने निकाल दिया जैकेट, अब भाई अब चल रहे हैं एकदम आराम से। और गाइज पता है श्रीनगर ना ज़्यादा दूर नहीं है, अब यहाँ से कम जाएंगे हम आराम से, आज श्रीनगर से भी आगे निकल जाएंगे आज तो। वेलकम टू श्रीनगर, ये चेक करें गाइज पहुँच गए श्रीनगर। और भाई यहाँ पे सारे धामों के पोस्टर लगे हैं गाइज। श्रीनगर में पहुँचने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा व्यू मिला है, यहाँ मिला गाइज मैदानी क्षेत्र थोड़ा सा, वरना हरिद्वार के बाद तो ऐसा पहाड़ों में चले हैं ना हम बहुत बुरा। और यहाँ पे अलकनंदा देखो बहुत फील्ड में बह रही हैं, ये चेक करें। थोड़ा ऊपर जाके एक मार्केट है जहाँ से हमें सामान लेना है। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं अलकनंदा नदी में नहाने के लिए, उसके बाद शॉपिंग करेंगे। भाई देखो गर्मी लग रही है ना, सामने जा रहे हैं नीचे नहाने और नहा के भाई एकदम मज़ा आ जाएगा फ्रोज जैसा भी। सो गाइज हम पहुँच चुके हैं नदी में नीचे, यहाँ बहुत गहरा, आगे नहाएंगे और कपड़े वगैरह भी धुलेंगे हम, साबुन वाबुन सब लेके आए। ये चेक करें गाइज कितनी फास्ट पानी चल रहा है यहाँ पे, हम जा रहे हैं और अभी आगे नहाएंगे भाई। सो गाइज फाइनल कपड़े निकाल दें और अब जा रहे हैं हम नहाने और कपड़े भी धुल लें। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर ब्रेक के बाद क्योंकि भाई कपड़े धुलने हैं एंड नहाना भी है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, मिलते हैं। सो गाइज फाइनली मैं आ चुका हूँ नहा के अभी और गाइज हमने ना सारे कपड़े धुल लिए अपने। और ये देखो गाइज कहाँ कहाँ पड़े हमारे कपड़े, एक वो पड़ी शर्ट, ये रही पैंट, एक टी शर्ट ये रही, एक टी शर्ट ये रही, एक बोरी, एक शर्ट बोरी, एक पैंट बोरी, एक टी शर्ट बोरी और एक पैंट मेरी वो पड़ी और हमारे बैग ये रखे हैं। और गाइज पता मज़ा आ गया नहा के सच में, एकदम बॉडी ना ऐसे खुल सी गई है, एकदम फ्रेश हो रहा है, मस्त लग रहा है जैसा भी है। और मज़ा आ रहा धूप में क्योंकि भाई इतना ठंडा पानी था ना बहुत ज़्यादा, तो बस कपड़े सूख जाएंगे हमारे उसके बाद रख के इनको निकलते हैं फिर। सो गाइज निकल चुके हैं नहा धो के और भाई कपड़े वगैरह रख के, और भाई अब हमें करनी है यहाँ पर शॉपिंग थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ नहीं लेना, पर एक स्टॉक लेना है और एक सिलेंडर खाना वाना बनाने के लिए। चलो भाई। सो गाइज अभी हम रुक चुके हैं एक शॉप पे और एक कपड़े वपड़े ले रहे हैं भाई क्योंकि ऊपर ना बहुत महंगे मिलेंगे, तो भाई केदारनाथ पे न्यू कपड़े डालने हैं ऊपर मंदिर पर जाके, तो देखते हैं जौन से कपड़े पसंद आते हैं लेते हैं फिर निकलते हैं। सो गाइज तुम्हारे भाई ने पूरा लुक चेंज कर लिया, आउटफिट पूरा चेक मतलब मैंने डाल के देखे भाई, कमेंट करो ये ले लूँ मैं ब्लैक एंड ये देखो इसी से मैं दिखाता हूँ। गाइज बताओ कैसा लग रहा है, ब्लैक बेल बॉटम है मेरी और ये कलर मतलब प्यारा लग रहा है मुझे इस पर। और भाई ये मैं इसलिए नए ले रहा हूँ क्योंकि भाई केदारनाथ जाके ना मुझे नए कपड़े डालने हैं, तो बताओ कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना, डन करें फिर या फिर देखते हैं अभी नेक्स्ट। बस अच्छे लग रहे हैं गाइज ये देखो, वरना यही लूँगा अगर और देखते हैं अगर वो बेस्ट लगे तो बोलेंगे फिर। फाइनली गाइज कपड़े वपड़े परचेस करके निकलते हैं। सो गाइज फाइनली मैंने कपड़े परचेस कर लिए और गाइज पता है मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कपड़े लेने का, ये कपड़े लेने आए थे मुझे दिलवा दिए इन्होंने लिए नहीं, और भाई ये वाले कपड़े लिए मैंने आपको दिखा भैया निकालने एक बार नदी में हूँ, ब्लैक ये लिए और भाई ये इसका कॉम्युनिकेशन बहुत अच्छा लग रहा मुझे कलर का ब्लैक, और ये पड़े हैं भाई पूरे 2000 रुपये के, महंगा लगा दिया लेकिन नहीं सही है ना मतलब ब्रांड है ना वैसे इसलिए क्वालिटी की वजह से महंगा है, कोई नहीं चलो भाई हो गया। तो गाइज निकलते हैं आओ भाई चलो। सो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं एक शॉप पर और गाइज हमें ना यहाँ पर एक स्टॉक ले रहे हैं क्योंकि भाई पहाड़ों पर ना गाइज हम मैगी वगैरह मतलब बना सकते हैं नॉर्मल, कहीं भी हमें भूख लगेगी या फिर अपनी चाय वगैरह। तो भाई ये आ चुका है एक चूल्हा छोटा सा और ये इस पर से चलता है, ये परचेस करने वाले हैं अभी हम दोनों और ये पूरा फोल्ड हो जाता है, ये चेक करें। ओह चला के दिखाना इसको,
डॉक्टर साहब ने अपना कैमरा ही चला दिया। मैं सोच रहा अबे भाई अभी पंगा हो गया यार। भाई इतनी फास्ट चलाई है भाई, ये चेक करेगा इस पे बनेगी हमारी मैगी और चाय। अभी चाय बन जाती यार। सो गाइस हमने ना पूरा कुकिंग का सामान यहाँ से परचेस कर लिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस ये आ चुका हमारा सारा सामान, प्लेट, इसके अंदर मैंने स्टॉक पैक कर दिया, फ्राई दान वो दिखाई दिया मैंने आपको, चार गिलास, चार स्पून, एक बड़ा चमचा लिया है एंड प्लेट, एक चाकू है। और भाई बस हो गया पूरा सामान गाइस, देखो इतना सारा हमने एक छोटा सा घर बना लिया। और ये स्प्रे रखे हैं इधर, मतलब पूरा एक बैग है वैसे हमारे पास एक्स्ट्रा है, उस बैग के अंदर रखा है एक बैग मेरा वाला। तो गाइस इतना सारा सामान ले लिया हमने, कोई नहीं पहाड़ों पे रहेंगे हम। चलो भाई फाइनली करते हैं भाई को पिक कितना हुआ है। गाइस बताए हमारे पास ना ऑलरेडी इतना वेट है ना बैग में बहुत ज़्यादा, भाई इसमें ना इतना वेट हो गया बहुत, अब शोल्डर पेन करेंगे भयंकर वाले, बट मैं नहीं टांगने वाला, मेरे बैग में पूरा कैंपिंग का सामान है भाई, मेरे बैग में स्पेस नहीं है ना। मैं आपका बैग में ले लूँगा, तुम मेरा बैग लेना, ये टांग लेना, चार सारा टांग के। नहीं भाई मैं नहीं टांग भाई, चार लोग चारों अलग अलग भाई, तो मैं स्प्रे डाल लूंगा ना, निकाल स्प्रे निकाला भी है ही रखो सारा। सो गाइस फाइनली सारा सामान परचेस कर लिया, और गाइस आज है ना इन्होंने हैंग करवा दिया मामला भाई, 4-5 हज़ार रुपए की शॉपिंग कर ली गाइस ये, और वैसे विदाउट मनी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन गाइस ये वाला पैसा जो हमने डलवाया था आज घर से। और भाई मेरा ट्राईपॉड टूट गया भाई, स्टिक टूट चुकी है गोप्रो की, भाई बहुत मूड खराब हो रहा है, ये 3,000 रुपए की ली थी मैंने, आज तो भाई 8,000 का सिस्टम हो गया, लेकिन देखते हैं यहाँ कोई स्टिक वगैरह मिलेगी तो ठीक करेंगे इसको वरना। सो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं श्रीनगर से शॉपिंग करके सारा कुछ, और गए श्रीनगर का थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, शाम हो चुकी है, ये चेक करें गाइस यहाँ का व्यू, सामने श्रीनगर सिटी है, इधर भी श्रीनगर है, ये ओल्ड ब्रिज है यहाँ पे, न्यू ब्रिज यहाँ पे बना है, बहुत प्यारी लोकेशन है, ये चेक करें। तो भाई अभी हम निकल रहे हैं, देखते हैं कोई नाइट स्टे करने की जगह कहाँ मिलेगी, जैसा भी होगा दिखाएंगे आपको बने। सो गाइस फाइनली नाइट हो चुकी है, तो गाइस अब ना यहाँ से चढ़ाई चल रही है बहुत भयंकर, और अभी आगे एक मंदिर है हनुमान मंदिर, एक भैया ने बताया वहाँ हमको रुकना है, तो भाई लगातार चढ़ाई पड़ रही है बहुत भयंकर वाली, कंटिन्यू चल रहे हैं। तो गाइस देते हैं आपको अपडेट मंदिर पर चल के देख। सो गाइस फाइनली अभी हम रुक चुके हैं एक ढाबे पर, गाइस भूख लग रही थी बहुत तेज, क्योंकि भाई जो हमने बनाने का सामान लिया है ना, और गाइस पता आज ना नाइट की कितना टाइम हो गया, एक मिनट गाइस 8 बज चुके हैं ये चेक करें। तो भाई हम इसलिए आज खा रहे हैं क्योंकि भाई खाना इसलिए खा रहे हैं भाई क्योंकि अब 8 बज चुके हैं, अब जाके कब हम बनाएंगे कब खाएंगे, तो इसलिए होटल पर कुछ खा लेते हैं, उसके बाद गाइस एक मंदिर है आगे बहुत आगे, काफ़ी देर से हम पैदल चल रहे हैं, तो मंदिर में रुकेंगे जैसा भी, तो कुछ खा लेते हैं उसके बाद चलते हैं। सो गाइस आ चुका अपना खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, तो भाई खाना वाना खाते हैं फिर निकलते हैं। सो गाइस फाइनली खाना खा लिया, और गाइस जब चलते हैं एक हनुमान मंदिर आके वहाँ ठहरते हैं, और गाइस पता 9 बज चुके हैं आज, तो 9 बज गए ना। सो गाइस अभी ना हम मंदिर जाने वाले थे हनुमान मंदिर, और गाइस यहाँ से ना समथिंग 3 किलोमीटर है, तो अभी होटल वाले भैया कह रहे हैं आप हमारे यहीं पर ठहर जाओ होटल में अपना टेंट लगा लो, क्योंकि ये बता रहे हैं कि यहाँ रोज़ कोई ना कोई टेंट लगाता है, यहाँ रुकते हैं बहुत लोग, तो भैया कह रहे हैं आप काफ़ी स्पेस है आप टेंट लगा सकते हो, कहीं भी ये चेक करें वहाँ पे। तो भाई अभी अपना कैंपिंग टेंट लगाते हैं, उसके बाद सोना, गाइस 9 बज चुके हैं, तो ज़्यादा मैं आगे शूट नहीं कर रहा क्योंकि भाई ये ब्लॉग है एंड कर रहा हूँ, क्योंकि कैंपिंग टेंट लगाना फिर सोना ही रहता है क्योंकि ब्लॉग एडिट करना है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो गाइस कैसा लगा हमारा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना, गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती है और आप देख पाएँ हमारा ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।